अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर गुड़िया'स टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला नजफ। मैंने पिछला जो अपने एपिसोड किया था उसमें मैंने बोला था कि ये मेरा आखिरी एपिसोड है इस सीजन का, और अब इंशाल्लाह अगला सीजन जो है वो मैं इनके बाद करूंगी, मगर मेरा कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मुझे आज ये एपिसोड करना पड़ा, वो बातें पता चलेगा। इस वक्त बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन अंदर बैठे बैठे थोड़ा सा दिल घबरा रहा था, तो मैंने सोचा चले बाहर निकल के थोड़ा फ्रेश एयर लेके और शो करते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज मैं बिल्कुल जम गई हूँ। इस वक्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड क्यों बोलती हूँ, सेल्सियस है। ये तो पाकिस्तान में और कैनेडा में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, वहाँ हम सेंटीग्रेड बोला करते थे, यहाँ हम सेल्सियस बोलते हैं। तो जनाब बहुत ठंड है, और अब आप पीछे देखेंगे दरख्त नज़र आ रहे हैं अगर आपको, तो उसमें आपको वो कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही होंगी, तो ये इंडिकेशन है हमारे लिए कि जी बाहर आई जाती है, बस राउंड द कॉर्नर है। तो इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद आपको ये पूरे जो दरख्त अभी इस वक्त खाली खाली से दिख रहे हैं दिखाती हूँ आपको, तो वो सारे के सारे जो हैं वो भर जाएंगे और आपको पीछे जो है वो पार्क नज़र ही नहीं आएगा। अच्छा इस यकीन करना मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन ये बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ही होने वाला है। तो जी, तो आज का फिर रिव्यू शुरू करते हैं। थोड़ा सा एटिपिकल है, मैं खड़ी हुई हूँ, बैठी हुई नहीं हूँ, चलूँगी फिरूंगी भी थोड़ी सी क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही है, तो पीछे फिर हो सकता है अंदर भी चले जाएं। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा, मज़े का था आज, मुझे पसंद आया फितूर, तो बड़ा मज़े का एपिसोड था। और दिलनशीन जो हैं वो स्टार्टिंग वाले पहले सीन के अंदर उनको देख के दिल बड़ा मेरा खुश हुआ, बिकॉज वो माशाल्लाह इस कदर हाई हील्स के साथ इतना लहक लहक के काम कर रही थी, इतनी डिशेज उन्होंने पका ली, मतलब मैं तो देख के बहुत इंप्रेस हुई हूँ ऑनेस्टली। मतलब मैं तो एक डिश पकाती हूँ या दो बनाती हूँ तो पसीने के मारे बुरा हाल हो जाता है इतनी ठंड में भी, और चले पसीना ना भी आए तो भी मतलब लाइक थोड़े से आसार नज़र आने लगते हैं कि काम किया है। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने इतनी डिशेस बना ली, लेकिन इसके बावजूद तो मजाल है जो एक बाल भी आगे पीछे हुआ वो या एक मेकअप पे थोड़ा सा भी असर पड़ा नहीं। और माशाल्लाह हील्स देख रहे थे आपके कैसे, मतलब दौड़ दौड़ के वो काम कर रही थी किचन के अंदर। तो खैर बहरहाल बड़ी वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन की वाइब्स आ रही थी महमिल में और दिलनशीन में। तो अब जो है वो अब दोनों हमारी हीरोइनें जो हैं वो एक दूसरे के बराबर में आ गई हैं। अब देखते हैं कि कौन किसका पलड़ा भारी रहता है, किसका पलड़ा भारी नहीं रहता, और दोनों किसके लिए लड़ रही हैं, हैदर के लिए लड़ रही हैं। हैदर माशाल्लाह माशाल्लाह क्या उनकी किस्मत है कि दोनों हसीना हैं, एक तरफ से वो तैयार हो रही हैं। अच्छा इस पर तो मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया जब वो पूरी वो कन्वर्सेशन हो जाती है दोनों के बीच में कि जी वो मैं उनकी टेस्ट बदल गई है और अब उनको पहले कॉन्टिनेंटल पसंद था और अब देसी पसंद है और फलाना ढिमाका उनकी टेस्ट चेंज हो गई है, और वो अब जो ऑब्वियसली ड्रामा देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। और उसके बाद जब वो सारा कुछ ख़त्म कर देती हैं तो फिर वो दिलनशीन कहती हैं महमिल को, अच्छा मैं ज़रा जा के तैयार हो जाती हूँ हैदर के लिए, हैदर के आने का वक्त हो रहा है। ओ बीबी इतना तो तैयार हुई हुई हो, वो किसके मजीद तैयार होना बाकी है, तो हद हो गई। यानी कि खैर हम लोगों को सबको सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए कि घर में किस तरह से रहा जाता है। वो कोचिंग क्लासेस बाकायदा आज दिलनशीन से मैंने ली है कि घर में किस तरह से रहना चाहिए। अच्छा अच्छा दूसरा उन्होंने क्लियरिफिकेशन दे दी कि जी वो इतनी नन्हिंका की नहीं है जितनी हम उनको शुरू से समझ रहे थे कि जी 18 साल की दिखाया है, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं जी उनको 21 की दिखाई है, तो बहुत मैच्योर हैं वो 21 में, और ऐसे नहीं है कि कोई छोटी सी नन्हिंका की, उनको दुनिया का सब पता है। तो अच्छे अच्छों को भी इतना नहीं पता जितना पता है। तो मैं ड्रामे को रोस्ट नहीं करी, मैं बहुत ऑनेस्ट आपको अपना रिव्यू दे रही हूँ। तो बहरहाल बहुत फिल्मी, बहुत बॉलीवुड अंदाज का ड्रामा, बहुत एक मर्द है उसके पीछे दोनों खवातीन लगी हुई हैं और एक तरफ से एक खींच रही है, एक तरफ से एक खींच रही है। तो महमिल जो हैं वो इसलिए कि जी वो अपनी बेगम के हाथ के पका हुआ खाना ना खा लें, तो वो जो हैं अपना पैर मुड़वा लेती हैं ताकि वो सारी अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट कर लें, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम। अच्छा जी, और हैदर जो है वो मेरे ख्याल में सबसे कम उम्र और जो बालिग अभी नहीं हुए हैं, अभी बहुत छोटे हैं, बहुत काके हैं, उनको तो ज़्यादा चीज़ों की मुझे लगता है समझ है नहीं बेचारे को, तो वो भी भागते हुए जाता है, उनको लेके जाता है गाड़ी में, और ऑब्वियसली फिर वो जाते हैं, फिर ड्रिप लगती है उनको पूरी रात बैठे रहते हैं,
और फिर आते हैं उनको अपने कमरे में, बेगम उनको महमिल को लेके जाते हैं, इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है कि बुरा हाल है, दर्द के मारे महमिल का बुरा हशर है, लेकिन फिर भी वो रोमांस करने से पास नहीं आती। और जहाँ जहाँ भी उनका बस चलता है वहाँ वहाँ पर वो जो है ना छक्का मारने की कोशिश ज़रूर करती हैं, कभी हाथ पकड़ती हैं, कभी कुछ पकड़ती। तो इन शॉर्ट ये कि जी इस वाले में अगर हम समझें कि स्कोरिंग हो रही है, तो इस वाले जो ड्रामे में, इस वाले जो एपिसोड थे उसमें जो है वो महमिल ने ऑब्वियसली एक पॉइंट स्कोर कर लिया, बिकॉज उन्होंने पूरी की पूरी जो अटेंशन थी हैदर की अपनी तरफ खींच ली और वो अपने मकसद में, मज़मूम इरादों में कामयाब हो गई बिलाखर। और जो है अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। सो फार सो गुड, और इंटरेस्टिंग ड्रामा, मज़े का ड्रामा है, बहुत फिल्मी है, बहुत ज़्यादा फिल्मी है एक्चुअली, लेकिन अब क्या करें, यही चीज़ बिकती है मार्केट में, तो यही चीज़ें बनती हैं। अच्छा, वैसे मैंने देखा है कि ये जो जियो के ड्रामे हैं जैसे फितूर है या क़यामत है, तो इनमें थोड़ी आजकल एक नई चेंज मैंने देखी है कि जो हाउसमेड है इनकी, जो हाउस हेल्पर जो है, जो खातून काम करती हैं एज ए हेल्पर, तो वो एक ही है जो दोनों ड्रामों में काम कर रही हैं। तो बहुत चीखी सी खातून है, अगर आप कभी मौका मिले उनके डायलॉग सुनिएगा, तो वो मतलब तीली लगाने से बाज आती नहीं है, वो बात बोल जाती हैं जो उनको बोलनी होती है। तो क़यामत में भी देखा है, तो वो भी मुसलसल बेचारी खैर बोलती रहती है, मगर डांट भी खाती रहती है साथ साथ। तो इस ड्रामे के अंदर भी वही हैं और क़यामत में भी वही हैं, छोटा सा ट्रिविया था। तो अच्छा जी, तो सिर्फ उसे एक छोटी सी बात थी बिफोर आई एंड अप फितूर के एंड में, वो क्योंकि खाना नहीं खाया होता, बहुत लेट नाइट हो गई है और वो वेट कर रही है खाने का टेबल के ऊपर, और वो नौकरानी आती है वाके कहती है कि जी वो साहब ने जो है ना वो खाना मंगाया है, तो हम मैं खाना ऊपर लेके जा रही हूँ, ट्रॉली में डाल के वो खाना लेके जाती है। तो मतलब वो ट्रॉली जो है वो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगी ये मुझे बता दो। तो मतलब एलिवेटर लगा हुआ है घर में, लिफ्ट लगी हुई है, क्या लगी हुई है कि मतलब इतना सारा खाना जो है तो वो ट्रॉली में सजा के वो ऊपर कैसे जाएगा, सोचने की बात है, सोच रहा हूँ, मुझे बताना। ठीक है, चले जी, यहाँ तो एंड हो गया फितूर। देख रहे कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ठंड है, मेरे ख्याल में पूरा शो यहाँ नहीं कर सकूँगी, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। बट चले, बिफोर आई डू दैट, लेट्स डू द अदर शो ऑन माई लिस्ट, दैट इज़ शहनाई। तो शहनाई की भी आज एपिसोड आई थी, बहुत एज यूजल फन थी, इट वॉज फन टू वॉच। ऑब्वियसली मैं कोई बहुत उसमें कोई कॉमन सेंस की चीज़ें उसमें नहीं निकालूंगी, उसमें कॉन्टेक्स्ट में ये ड्रामा है कि फन वाला ड्रामा है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको रिव्यू भी करेंगे। सब बहुत बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं, और जो है वो सलीम मिराज स्पेशली मेरा ख्याल है, कोई इनको कफील भाई कह रहा होता है, कोई किफ़ायत कह रहा होता है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हिज नेम इन द ड्रामा, लेकिन ऑब्वियसली इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बहुत ज़बरदस्त तीली लगाने वाली मासी, जो एक टिपिकल दामाद होता है जो कि जो है ससुराल वालों के रहमो करम पे होता है, और उन्हीं के कहना नहीं चाहिए पर टुकड़ों पे पल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी साजिश करने से चूकता नहीं है। तो बहुत बहुत ब्रिलियंटली प्लेड बाय सलीम मिराज, जो यूजुअली इस तरह के कैरेक्टर्स वो नहीं करते हैं, तो पता आई डोंट नो, मैंने बहुत ज़्यादा काम उनका नहीं देखा, लेकिन जितना भी देखा है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव उनका मुझे लगता है। और ज़ैनब क्यूब उनके साथ दूसरी जो भाभी हैं, भावज का रोल कर रही हैं भैरव सब्जवारी की वाइफ का, और शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब एज वेल, और बाकी ऑब्वियसली लीड है बहुत, वैसे जो इसका कैरेक्टर है क्या नाम है इसका, बख्त का, बहुत इमेच्योर बच्ची लड़की दिखाई है, उसको ज़्यादा उसको दुनिया का पता नहीं है, बहुत अपनी ड्रीम्स में रहने वाली लड़की है, और टिपिकली जो हमारे बच्चे टीनेजर्स जिस तरह से बात करते हैं कि मुझे ये नहीं करने दिया गया, मुझे वो नहीं करने दिया गया, और वक्त हम सब पे आता है, आई थिंक ये हम सब ही इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो वी कैन ऑल रिलेट टू यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, और वो किस प्रोसेस से किस फेज से गुजर रही है, तो ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, तो इसको भी बहुत चीज़ों की समझ आ
आ जाएगी मेरे ख्याल में अपने अगले चंद एपिसोड में, लेकिन गुड केमिस्ट्री बिटवीन द लीड पेयर और मज़ा आता है इनको देख के, और इनफैक्ट सारी सपोर्टिंग कास्ट इज़ वेरी गुड, हर किसी का काम बहुत अच्छा है। तो अब इस वाले इसमें एपिसोड के अंदर बस ये चेंज आई है कि आई डोंट नो व्हाई, ये मुझे बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जो हुनान जो है वो क्यों नहीं इससे शादी करना चाह रहा वक्त से, बिकॉज अपेरेंटली वो मतलब कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि जी वो उनसे गिफ्ट लेता था, पैसे लेता था, 4 साल तक उनके साथ रिलेशनशिप में भी रहा, लेकिन उसके बाद जो है वो शादी नहीं करना चाहता। व्हाई? लाइक आई मीन आई डिडंट गेट इट, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ लाइक द ओनली गर्ल, ओनली चाइल्ड ऑफ अ फैमिली, बहुत पैसे वाले वेल्दी लोग हैं, गुड लुकिंग भी है, फैमिली भी अच्छी है, तो क्यों नहीं वो इसके साथ शादी क्यों नहीं कर रहा वो, तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही। बट एनी वे चले, तो वक्त जो है वो इतनी बेवकूफ़ हैं कि वो अब घर से भागने का उन्होंने प्लान बना लिया है, और अब वो बुरका वुरका ओढ़ के जो है वो अब घर छोड़ के निकल गई हैं। बट फॉर्चुनेटली मीरब नोज़ अबाउट इट, तो मीरब उनको साथ लेके खुद ही गया है, बिकॉज ही नोज़ के हुनान का से शादी करने का कोई इरादा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बचा ही लेगा उसको, बचा इन द सेंस के घर वापस ले आएगा, और ऑल विल बी वेल इन देयर पैराडाइज। तो इंटरेस्टिंग शो, मज़े का ड्रामा है, मज़े की केमिस्ट्री है, और एंटरटेनिंग है, सबसे बड़ी बात तो ये। आई थिंक ओवरऑल ट्रीटमेंट ड्रामे की बहुत मज़े की हुई है इन्होंने, उसकी वजह से ड्रामा बोरिंग नहीं लगता, हालांकि लाइक स्टोरी के अंदर कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट्स की बहुत अच्छी, डायरेक्शन बहुत अच्छी, ट्रीटमेंट अच्छी है और कलरफुल है, तो इसलिए आई थिंक इट्स फन टू वॉच एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एंजॉय वॉचिंग इट। तो चले जी, ये दो ड्रामे हो गए, और अब मेरा ख्याल है हम अंदर की तरफ चलते हैं, बिकॉज अब मुझे लग रही है थोड़ी सी सर्दी। हाँ जी, शुक्र है अंदर आ गए, बहुत ठंड थी बाहर। तो चलें जी, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो अब अगला जो है हम करते हैं रिव्यू, दिल ना उम्मीद तो नहीं, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड था एज यूजुअल, वेरी वेरी रियलिस्टिक, और जिस तरह से इन्होंने इस एपिसोड के अंदर चाइल्ड लेबर को डिपिक्ट किया, जिस तरह से दिखाया, बहुत ज़्यादा रियलिटी से करीब, बहुत ज़्यादा हर घर में तकरीबन, या हर दूसरे घर में चलें, हर घर में ना भी हो तो देखा गया है, हम खुद शायद पार्टली करते भी रहे हों, देखा तो बहुत दिल को तकलीफ़ हुई कि हम कितनी सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल समझ के हम करते हैं, जबकि एक्चुअली वो कितनी गलत होती हैं और कितनी इलीगल होती हैं। आई मीन आई नेवर न्यू दैट बिफोर, लाइक यू नो मैं यहाँ आई और उसके बाद चीज़ों को पता चलना शुरू हुआ कि ये एक्चुअली इट्स अ क्राइम, और ये इलीगल है बच्चों को इस तरह से आपको रखना और उनको उनसे काम लेना। तो चले, जमशेद का पूरे एपिसोड में उन्होंने ये दिखाया कि वो किस तरह से जो है वो अपने जिस घर में वो रह रहा है, और उसको वहाँ पे उसकी जो ओनर है वो उसको किस तरह से ट्रीट करती हैं और किस तरह से मारपीट करती हैं और बात बात पे, और लेकिन जो बॉन्डिंग उनकी बच्चों के बीच में दिखाई थी, वो जिसमें वो बच्चों को मुर्गा बनना सिखा रहा होता है, एक सच लाइक पेनफुल मोमेंट, इट वॉज़ अ वेरी क्यूट मोमेंट बट इट वॉज़ अ वेरी पेनफुल मोमेंट कि लाइक उस बच्चे को मतलब दिखाने के लिए ये उसने सारी ज़िंदगी यही कुछ देखा है कि मुर्गा कैसे बनते हैं, मार कैसे खाते हैं, लाइक यू नो इतनी छोटी उम्र में बच्चे के साथ इतना कुछ होना बहुत बहुत तकलीफ़ दे, लेकिन एनीवे ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट, जिस तरह से सारे बच्चे सीख रहे होते हैं मैडम आंटी के कि मुर्गा किस तरह से बनते हैं और क्या करते हैं, तो इट वॉज़ वेरी क्यूट मोमेंट, देख जो देख के लाइट मोमेंट था, क्यूट मोमेंट था। अच्छा, उसके बाद जो है वो इन्होंने पूरे जो मुझे ड्रामा इसमें जो सुंबल है वो उसको सादिया को भगाने की कोशिश करती है, और गाड़ी में बैठ के वो लोग दोनों पार्टी से उसको निकाल के ले जाती है, उसको किसी की गाड़ी में बैठ के, और वो बाद में पता चलता है कि जी वो अनफॉर्चुनेटली आई शुड से वो उसकी जुल्फी की गाड़ी थी, और उसके पीछे वो बैठी हुई थी, और बाद में पता चला कि जी वो जुल्फी की गाड़ी है। तो जब वो एक नाका लगा हुआ होता है और उसके ऊपर पुलिस रोकती है, तो उस पर पुलिस वाले के साथ उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है जुल्फी की, जो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, वो लाइक यू नो मैं अपनी गाड़ी की तलाशी दे दूँ, तो वो पुलिस वाला कहता है नहीं नहीं आप तो जाएं, तो दिस इंडिकेट्स दैट लाइक यू नो देयर इज सम बैकग्राउंड टू जुल्फी, वो तो ऑब्वियसली एक मिस्ट्री है
कि जुल्फी कौन है। मेरे ख्याल में बाय द एंड जब जब ये ड्रामा चलेगा और जितने लोग देख रहे होंगे तो सबकी ज़बान पे सिर्फ एक ही सवाल होगा कि जुल्फी आखिर है कौन। एक यूनिवर्सली हमारी एक कौम का एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क है कि जुल्फी आखिर है कौन। अच्छा खैर तो बस यही है कि वो उसको निकाल के लिए आता है लेकिन ऑब्वियसली इकराम को पता चल जाता है एंड लाइक ही कम्स दे ट्राई टू रन अवे द गर्ल्स एंड देन यू नो ही शूट्स देम इन द लेग्स प्रोबेबली और वेयर एवर। तो पकड़ी जाती हैं वो तो जो है उसके बाद फिर उनके साथ क्या होता है ये तो अगले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन इकराम को कैसे पता चलता है कि लड़कियां कहाँ थीं और किसकी गाड़ी में थीं। लाइक हु गेव देम द इंफॉर्मेशन वाज ज़ुल्फी द वन हु गेव देम द इंफॉर्मेशन और दे वर जस्ट कॉट ऑन देयर ओन। क्या हुआ कैसे हुआ तो ये भी एक बहुत बड़ा इंट्रीग फैक्टर है जिसको अभी तक उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है। जो हाईलाइट थी मेरे लिए इस पूरे ड्रामे की आई थिंक वो थी ज़ुल्फी और सवेरा की कन्वर्सेशन हु आर यू वाली जो कन्वर्सेशन थी ज़ुल्फी है कौन। तो वो जो जिस जिस तरह से वो पूरा डायनामिक्स उस पूरे सीन की थी और जिस तरह से उसको टेक्निकली उसको प्ले किया गया था इट वाज ब्यूटीफुल ब्रिलियंटली डन। और उमेर राना आउटडिड हिमसेल्फ लाइक बहुत मैं बड़ी इम्प्रेस हुई उस सीन में इनकी एक्टिंग से कि वो बिल्कुल नहीं लग रहा था। लाइक इट सीम्ड एज इफ लाइक यू नो ही इज जस्ट यू नो ही इज बीइंग नेचुरल एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है। एंड यसरा रज़वी ओह माय गॉड शी नेल्ड इट बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत उसमें उस सीन के अंदर उनकी जो एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज और जो जिस तरह से उसने पोर्ट्रे किया था तो इट वाज ब्रिलियंटली डन। तो ओवरऑल आई थिंक अ वेरी नाइस एपिसोड वेरी पावरफुल एपिसोड। और पीछे जो दसीम ज़हरा का अभी वो चल रहा है चक्कर मसला क्रिकेट टीम का वो अपना करेंगे काम और जो इनके काजी साहब हैं वो मेरा ख्याल है अब इंटरेस्टेड हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहे हैं। अब वो खुल के सामने आ रहे हैं हमारे सामने तो बहुत पहले खुल के आ गए थे ऑब्वियसली लेकिन नसीम ज़हरा के अब्बा के सामने अब मेरा ख्याल खुल के सामने आएंगे तो उसके बाद उनके अब्बा का रिएक्शन क्या होगा दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो अपने दोस्त की बातों में आ जाते हैं या फिर ये कि अकल के और होश के नाखून लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली देर इज़ अ ह्यूज एज डिफरेंस बिटवीन द टू। तो अब एज डिफरेंस क्या लाइक इट्स अनथिंकेबल इवन लाइक सोच के कराहियत आ रही होती है ये पूरी चीज़ को। तो अच्छा जी तो जो नेक्स्ट अब हम लोग रिव्यू करेंगे वो करेंगे पहली सी मोहब्बत। उसका जो ये एपिसोड आया वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बहुत मज़े का था। काफ़ी अरसे के बाद मुझे फायज़ा इफ्तखार की झलक नज़र आई उसके अंदर उनकी राइटिंग की झलक नज़र आई। वेरी पावरफुल वेरी वेरी इमोशंस जो थे बहुत रॉ थे बहुत बहुत इंटेंस ड्रामा था एपिसोड था इस ड्रामे का। और जिस तरह से आई थिंक उसको पूरा एग्जीक्यूट किया गया उसकी जो डायरेक्शन थी उसके जो डायलॉग्स थे उसकी जो एक्टिंग थी एक्टिंग का जो स्टैंडर्ड था आई थिंक इट ऑल एडेड अप टू मेक अ वेरी पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल एपिसोड। और स्पेशली आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट हियर टू HSY हसन शहरयार उनको मैंने बहुत बुरा भला कहा है पिछले एपिसोड्स में उनकी एक्टिंग के हवाले से बट एक्चुअली इन दिस एपिसोड ही आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट ही एक्चुअली प्रूव्ड मी वेरी रॉन्ग एंड ही डिड अ फैबुलस जॉब। बहुत अच्छा उन्होंने एक्ट आउट किया अपना कैरेक्टर और जिस तरह से वो मारते हैं असलम को एंड लाइक इन बाद में जिस तरह से वो रिग्रेट्स उनको होते हैं कि मैंने भाई पे हाथ क्यों उठाया है। आई मीन दिस एपिसोड वेरी क्लियरली डिपेक्टेड द हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर सोसाइटी। लाइक यू नो ऑन वन हैंड वही सिनेरियो है जो जैनब के साथ हुआ वही सिनेरियो है जो असलम के साथ हुआ। दोनों की कहानियाँ सिमिलर थी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि सिमिलर ही थी और लेकिन दोनों का आउटकम डिफरेंट निकलता है। क्यों क्योंकि एक तरफ ऑब्वियसली ज़ैनब थी जो कि लड़की है औरत है घर की बेटी है तो उसके लिए जो है रूल्स डिफरेंट हैं और बेटे के लिए रूल्स डिफरेंट हैं। तो जो मेन आई थिंक डिसाइडिंग फैक्टर था दोनों केसेस के बीच में वो उनकी मदर का था। तो उस केस के अंदर उनकी मदर चोज टू जस्ट इग्नोर एवरीथिंग एंड मैरी ज़ैनब ऑफ टू यू नो हूएवर वाज देयर और उसके साथ वो फारस उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं। मगर अपने बेटे के मामले में शी बिकम्स वेरी सॉफ्ट और उसके बाद जो है वो पहले तो उसको मार खाने देती हैं अकरम से खूब सारी
उसके बाद फिर वो उसको कन्विंस भी कर लेती हैं कि चलो बस अब ख़त्म करो, जो होना था वो तो हो गया है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सारी बात ख़त्म करते हैं और उसको जो है रिश्ता लेके जाते हैं रक्षी के लिए। तो जो मेन आई थिंक जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है और जो मेन डिसाइडिंग रोल है इनकी पूरी फैमिली का, वो इनकी मदर हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि किसके साथ क्या करना है, किसके साथ क्या नहीं करना। एंड सपा फैसल डिड अ वंडरफुल वंडरफुल जॉब, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक्ट आउट किया और बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस पूरे सिनेरियो को दिखाया। तो हिपोक्रेसी सोसाइटी की, लेकिन इनकी मदर की सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि है कि लाइक यू नो दोनों के लिए इक्वल उन्होंने रोल प्ले दोनों के लिए इक्वल नहीं किया, बेटी के लिए अलग किया, बेटे के लिए अलग किया। और अक्रम का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो ऑब्वियसली बहुत मारता है, सब कुछ करता है, वो ही डिड वॉट एवर वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, और जिस तरह से उसको सिखाया गया है, जिस तरह से उसने देखा है, उसी तरह से उसने एक्ट आउट भी किया। लेकिन जब उसकी बीवी आती है उसको समझाने के लिए कि तुमने क्यों हाथ उठाया असलम पे, और वो बड़ा है लड़का है, उसको जवान आदमी है, उस पर क्यों हाथ उठाया, तो पहले तो बहुत घूर के देखता है अपनी वाइफ को, लाइक यू नो मुझे थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि अभी इस पर भी हाथ उठाएगा, मगर ही डजंट डू दैट एंड बिल्कुल पीछे काम डाउन हो जाता है और वो जो है ठंडा हो जाता है। बीवी कहती है मैं तो तुम्हारा गुस्सा कम करने की कोशिश कर रही थी। तो आई मीन सबके साथ इक्वल वो बिहेव नहीं करते हैं, और जो दबता है जो कहीं कहीं दब भी जाते हैं अकरम भाई जो हैं, तो दैट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी। अच्छा, दूसरी तरफ जो असलम है उन्होंने मारवार तो खा ली है, लेकिन अब जो है वो उनकी मंजिल करीब आ गई है तो बहुत एक्साइटेड है। वो बड़ा इंडियरिंग सीन था आई थिंक, और शहरयार मुनव्वर आई थिंक ही डिड अ कमेंडेबल जॉब, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने प्ले आउट भी किया कि जब वो उसको पता लगता है कि उसकी फैमिली एग्री कर गई है रक्षी के यहाँ रिश्ता ले जाने के लिए, तो वो बिल्कुल जख्मों से चूर होता है, लेकिन उसके बावजूद वो आते हैं और आके अकरम को हक करते हैं, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले उसके मार मार के उसको लहूलुहान किया होता है, तो आके भाई को झप्पी डालता है और आके प्यार करता है, कहता है कि ये वो वॉट एवर। तो आई थिंक दैट वॉज वेरी स्वीट, वेरी क्यूट सीन, क्यूट मोमेंट। और माया अली डिड अ गुड जॉब, रबिया पट्टू डिड अ गुड जॉब। आई थिंक जो पूरी जान है इस पूरे सीरियल की वो शबीर जान है तो क्या राइम खुद ही हो गया, मैंने ये लिखा हुआ कहीं नहीं है, तो वाकई जो जान है इस पूरे सीरियल की वो शबीर जान है, नो डाउट अबाउट इट। तो ही हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, जो है वो हर सीन के अंदर अपनी जो है ना वो जान डाल देते हैं शबीर चांद। चले जी, आई थिंक गुड जॉब, वेल डन, थम्स अप फॉर अ वेरी गुड एपिसोड ऑफ पहली सी मोहब्बत। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट ड्रामा दैट विल रिव्यू विच इज डंक। मुझे समझ नहीं आ रही है ड्रामा कहाँ जा रहा है, वेयर इज इट लीडिंग टू, व्हाट आर दे एग्जैक्टली ट्राइंग टू शो। आई वॉज वेरी अपसेट, आई वॉज एक्सट्रीमली अपसेट, बिकॉज लाइक यू नो द वे दे हैव शेप्ड अप दिस ड्रामा इज कम्प्लीटली, It's beyond me, honestly speaking. What exactly are they doing to this drama? मैं बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रही है, बिकॉज मैंने बहुत टाइम ज़ाया किया इस ड्रामे के ऊपर, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया इस ड्रामे के ऊपर, बट लाइक वॉट एवर दे आर शोइंग है इसके, बस वो हैदर को की मिनाल से शादी हो जाए, वो मिनाल जो है वो अमल जो है वो सबको जो है कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, और क्यों कर रही है, क्या उसको अचीव कर रही है वो, क्या शी हैज सम काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, व्हाट इज शी गेनिंग फ्रॉम ऑल दिस, व्हाट इज हैपनिंग। और मतलब जिस तरह से उसे पूरे घर के ऊपर उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा कि बीबी तुम अपने काम में काम रखो, तुम क्यों इंटरफियर कर रही हो, नोबडी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज लाइक यू नो टेलिंग हर टू माइंड योर ओन बिजनेस। वो पीछे जा रहे हैं कि जी बस अमल बीबी जो है वो बहुत अच्छी हैं, अमल बीबी बहुत अच्छी, लाइक मतलब लिटरली मेरा माय ब्लड वाज बॉइलिंग कि व्हाट इज दिस यार, कम ऑन, मतलब बस कर जाओ, बहुत हो गया है, लाइक यू नो इतने नेगेटिविटी और इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स ड्रामे पे दिखाते हैं, एंड लाइक देख के ना दिल खराब होता है, मतलब और कुछ भी नहीं है। तो अब वो उन्होंने वो मैनिपुलेट कर लिया है सबको, और फाइनली सब उसके ट्रैप में आ गए हैं, इंक्लूडिंग हैदर एंड मिनाल, एंड उन्होंने पहले मिनाल को कन्विंस किया कि जी आप हैदर से शादी करें, मिनाल भी चूची काकी हैं वो भी मान गई, वैसे ऑब्वियसली मिनाल की जगह कोई भी होता अगर शादी करने की बात हैदर नॉट हैदर बट यू नो बिलाल अब्बास होते तो कोई भी एग्री कर जाता, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स। तो जिस तरह से वो हैदर का कैरेक्टर उन्होंने दिखाया, तो वो अब हाउ डज शी गेट कन्विंस्ड,
और फिर वो अपने बहन भाई भाभी को भी आके सिर्फ बता रही होती हैं कि जी मैं इनके साथ शादी करने के लिए मैं मरी जा रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ इनके साथ। यार क्या है ये, व्हाट इज दिस, आई मीन आर यू टेकिंग परमिशन, आर यू टेलिंग देम व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग हियर। सी अच्छा, उसके बाद क्या जी होता है कि वो फिर खुद ही जाती हैं, उनको प्रपोज भी कर देती हैं, ऑब्वियसली वो उनको मना कर देते हैं। उसके बाद फिर उनको वो गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं, फिर वो गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं, फिर वो सोचते हैं, वो कहते हैं हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब उसने कह दिया है, मिनाल ने खुद ही प्रपोज कर दिया है, तो वाई नॉट मैं भी हाँ कर देता हूँ, मैं भी शादी कर लेता हूँ। यार खुदा को मानो मैं हाथ जोड़ती हूँ, सच्ची इतना पागल नहीं बनाओ, मतलब लाइक दिस इज हाइट यार, दिस इज हाइट। क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं? मतलब कोई रिश्तों का कोई एहतराम नहीं है, कोई तकद्दस नहीं है। वो उसके भाई से उसकी शादी हुई हुई है, अमल की शादी मतलब लाइक सफ़ीर से हुई हुई है, शी इज़ मैरिड टू समबडी एल्स, वो एक ही घर में रह रही है, लेकिन वो इंटरेस्टेड वो अभी तक हैदर के अंदर है, उसकी मूवमेंट्स में है, उसकी शादी में है, उसकी लाइफ में है, उसको तबाह करने के अंदर उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। लाइक आप कितनी नेगेटिविटी दिखाएंगे, लेकिन आप सोसाइटी के अंदर कितनी नेगेटिविटी को आप लेकर आएंगे, मतलब आफ्टर प्ले आफ्टर प्ले आफ्टर प्ले आफ्टर प्ले आई एम सीइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। यू नो फितूर में भी यही है कि जी आपकी शादी ऑलरेडी हुई हुई है, आपका दूसरे के साथ आपका वो अफेयर चल रहा है, इधर भी वही है कि जी आपकी शादी एक्चुअली टेक्निकली इसके भाई के साथ हुई हुई है, लेकिन उनका इंटरेस्ट पूरा का पूरा इसके साथ अभी तक हैदर में उनकी जान अटकी हुई है। तो प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट यार, अब कोई और टॉपिक लेकर आओ, कोई और अच्छी चीज़ दिखाओ, लाइक यू नो थोड़ा सा जो कि आपको देख के लगे कि कोई आपने कोई पॉजिटिव चीज़ दी है सोसाइटी को, जैसे दिल ना उम्मीद तो नहीं दिखा रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है, अच्छी चीज़ें दिखा रहा है। मतलब हम कितने ड्रामे देखना छोड़ दें, मतलब इट्स वेरी इजी टू से कि जी आप ड्रामा देखना छोड़ दें। अब जब आपने 12-13 एपिसोड्स तक एक ड्रामे को देखा है, अब इन द मिडल आप उसको छोड़ के चले जाएं, यू नो बिकॉज ऑफ ऑल दिस नेगेटिविटी। हालांकि मैंने किया है, आई थिंक वो कुछ ड्रामे बीच में थे मैंने नहीं देखे, बीच में छोड़ दिए मैंने, बट जब आप इतने इंटरेस्ट से आप ड्रामा देख रहे होते हैं और उसके बाद फिर आप उसका ट्रैक कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। आई वॉज होपिंग कि जी वो प्रोफेसर साहब के इश्यू को लेकर चलेंगे, जो कि आई थोड़ा मुझे एक होप सी आई है कि शायद प्रॉबेबली अब थोड़ा ट्रैक चेंज करेंगे उस तरफ जाएंगे, मगर ये प्लीज़ इस तरह से कि एक भाई से शादी हुई हुई है, अब अपनी लाइफ में वो देख नहीं रही हैं, दूसरे की लाइफ में झांक रही हैं, तो अब इरिटेट कर रहा है ये, बहुत इरिटेट कर रहा है, एटलीस्ट मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। तो अब आई डोंट नो और कोई इरिटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। खैर हैदर इज स्टिल यू नो डूइंग अ वेरी गुड जॉब, और जो एज़िका डैनियल है जो कि मिनाल प्ले कर रही है, शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत बहुत प्रिटी लग रही है। और सना जावेद अगेन शी डिड अ वेरी फाइन जॉब, बीच बीच में जहाँ जहाँ पे वो उनको अलाउ होता है इमोशंस दिखाना अपना, जो कनिंगनेस के और ईवलनेस के, तो वो बहुत फाइन तरीके से कोई फ्लीटिंग सेकेंड के अंदर या मोमेंट के अंदर वो अपना एक्सप्रेशन दिखा जाती है, लाइक यू नो कि मैं दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, तो वो कर देती है। शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब ओवरऑल, आई मीन आई हैव नो कंप्लेंट्स, बट द वे कैरेक्टर हैज़ बीन रिटन आई हैव स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस अबाउट दैट। चले खैर, तो ओवरऑल बस मैं ये कहना चाह रही थी कि आप बस करें और लेट्स मूव ऑन टू मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, विच इज़ लाइक यू नो इंसाफ दिलाना प्रोफेसर साहब की बेगम को और उनका नाम क्लियर करना, और आई एम होपिंग एंड आई एम अज्यूमिंग दैट दे आर गोइंग टू डू दिस फॉर द इन द अपकमिंग एपिसोड्स। चलिए जी, इसके बाद आखिर में चलते हैं रकीब से पे। आज हसब आदत मैं मुस्कुरा नहीं रही रकीब से का नाम लेके, और मैं ये नहीं कह रही कि बहुत कम ऐसे क्लासिक्स बनते हैं जिनको देखने को बहुत दिल चाह रहा होता है, मैं ये भी नहीं कह रही कि ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको दोबारा पूरे के पूरे को रीरन करूँगी। आई एम एक्सट्रीमली 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 डिसअपॉइंटेड विद दिस ड्रामा दिस टाइम, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा, बहुत मुझे इंतज़ार रहता है पूरा हफ्ता इस ड्रामे का, और मैं देखती हूँ और जो इन्होंने इस एपिसोड में जो कुछ किया है, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी थिंग दैट कैन रिडीम मकसूद साहब फॉर मी। और मतलब लाइक आप कुछ भी कर लेंगे आप, आई फॉर मी दिस ही इज़ नॉट गोइंग टू बी रिडीम्ड ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आप ऐसे बहुत सारे लोग पूछेंगे ऐसा भी उन्होंने क्या कर दिया है, ऐसा भी उन्होंने क्या कर दिया है, यार फॉर गुडनेस सेक, लाइक यू नो आपको ये पता है आपकी वाइफ घर पे नहीं है, आप अपनी एक्स
गर्लफ्रेंड को घर पे ला के रख रहे हैं. सोफा सो गुड, ठीक है वो जो भी है वॉट एवर, पूरी ड्रामे का एक पैटर्न है जो कुछ भी है. मगर ये जो आखिरी 10 मिनट के अंदर जो उन्होंने दिखाया है, लाइक यू नो कि जब उनको पता है कि वो घर पे नहीं है और वो उनकी इंटेंस कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है एंड लाइक यू नो द वे ट्राइज टू टच हर एंड लाइक यू नो वॉट एवर दे वर ट्राइंग टू डिपेक्ट, नो मैटर हाउ हिज रिलेशनशिप इज विथ हाजरा, आई डोंट केयर. ठीक है वो साथ हैं नहीं है, उनकी रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की है कि नहीं है, इनशा अडॉप्टेड है कि नहीं है, क्या सिनेरियो था हाजरा की शादी उनसे, किन हालात में हुई है, जो भी है वट एवर. बट इफ हाजरा इज हिज वाइफ विच इज ऑब्वियसली द केस, ही शुड नॉट हैव डन वॉट ही डिड, ही शुड नॉट हैव ट्राइड टू डू वट एवर ही ट्राइड टू डू. एंड स्पेशली दिखाना कि वो पीछे हाजरा खड़ी हुई है एंड लाइक यू नो शी विटनेसेस ऑल दिस एंड इन द नेक्स्ट सेकेंड दे शो इट दैट शी इज ओके विद इट, लाइक यू नो शी इज ओके विद एवरीथिंग एंड आई जस्ट डोंट गेट इट, वॉट आर यू ट्राइंग टू शो हियर, क्या दिखाना चाह रहे हैं, मतलब लाइक आई मीन कितनी भी ठंडी औरत हो, कितनी भी इमोशनलेस औरत हो, विच हाजरा इज नॉट, शी इज अ नाइस वूमन, शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, बट कुछ भी है, कितनी भी आपकी कितनी भी अच्छाई आपके अंदर है, लेकिन जहां पे इस तरह का कोई सिनेरियो होगा और जिस तरह का रिएक्शन इन्होंने हाजरा का दिखाया, इट्स कंप्लीटली अनरियलिस्टिक, इट्स कंप्लीटली अनबिलीवेबल. सो आई जस्ट डोंट गेट दिस, मुझे नहीं इसका रिएक्शन समझ में आया और ना ही मुझे इसका रिएक्शन, अगर इंटेंशनली उन्होंने इस एक्सप्रेशन को दिखाने की कोशिश की है, आई डोंट कंडोन इट एट ऑल. और फिर उसके बाद ये कहना कि जी पहली दफ़ा आपको तन्हाई में उनसे बात करने की इजाज़त मिली, मौका मिला, और उसके बाद फिर ये कहना कि जी वो जो है आपकी लाइफ में मैं हूँ, मैं ना होती तो, और वो मकसूद कहते हैं, जब मकसूद साहब भी नहीं कहूँगी, ही हैज़ लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट फ्रॉम मी, और वो कहते हैं कि जी नहीं लेकिन तुम तो मेरी लाइफ में हो, लाइक क्या है यार ये, लाइक यू ऑलरेडी हैव अ वाइफ, आपकी एक अब फैमिली कमिटमेंट को हम इतना नॉर्मलाइज कर दिया है हमारे ड्रामों ने, हमारे इस पाकिस्तानी ड्रामों ने, कि लाइक यू नो हमें कोई चीज़ बुरी नहीं लगती, हमें कोई चीज़ गलत नहीं लगती, लाइक कोई इंस्टीट्यूशन हमारा नहीं रहा, मतलब आप किसी के साथ आपकी कोई कमिटमेंट जो है वो कोई मायने नहीं रखती, कि आप अगर शादीशुदा हैं या आप कमिटेड हैं किसी के साथ तो आपकी एक लिमिट आ जाती है, आपकी एक सॉर्ट ऑफ एक बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती हैं, किसी ड्रामे में वो बाउंड्रीज मुझे नज़र नहीं आ रही, बी इट फितूर, बी इट क़यामत, बी दिस डंक, बी दिस रकीब से, You name it. Where are the boundaries? Where is the sanctity of marriage gone? Where is that? Like, kya kahan gayi wo? Matlab, mujhe samajh nahi aa rahi. I'm extremely angry. I'm extremely upset because is pure hafte mein maine wahi theme dekhi hai. So it's like, I mean, I'm getting really, really, very upset over the content that's being shown. Or सेंसिटिव माइंड्स को, बहुत बहुत ज़्यादा वल्नरेबल माइंड्स को, हमने अपनी पूरी बचपन से लेके अब तक की जो ज़िंदगी गुजरी, हम लोगों ने एक सेंटिटी देखी है कि एक मैरिड कपल की, एक मैरिड लाइफ की एक बाउंड्रीज होती हैं, एक सेंटिटी होती है, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, आपस में एक रिस्पेक्ट का फैक्टर क्या होता है, ट्रस्ट का फैक्टर क्या होता है, सिंसियरिटी का फैक्टर क्या होता है, Where have all these values gone? कहाँ गई हैं ये सारी values? क्यों नहीं हम ये सारी values दिखा रहे हैं? I just don't understand. Honestly speaking, I don't understand. And I mean, if this is the way and this is how they are trying to sort of impact the new generations, they are trying to impact the people. I'm sorry, but I don't agree with that. And I have to say this. I don't agree with that. तो anyway, चले मेरे ख्याल में आज काफ़ी मैंने गुस्सा कर लिया है, सो आई विल जस्ट स्टॉप माई सेल्फ ओवर हेयर एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं कि ड्रामे किस तरह से चलते हैं. अगर इफ दे कंटिन्यू विद द सेम पैटर्न, आई एम ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू रिव्यू इट, आई विल गिव इट अ ब्रेक टिल आई कूल डाउन अ लिटिल बिट एंड देन इंशाल्लाह देन आई विल कम बैक एंड सी यू अगेन आफ्टर ईद. चले जी, सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कोविड से बचे, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं, सो आई होप दैट यू ऑल विल स्टे सेफ विथ योर फैमिली
एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। चलें, अल्लाह हाफिज़।